गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हैं आप लोग? हम सभी बीएचयू के स्टूडेंट्स हैं एंड हम एक बीएचयू के अंदर एक सिविल सर्विस सोसाइटी रन करते हैं जिसका नाम है द 1% क्लब। एंड इस क्लब के अंदर हम सिविल सर्विसेज रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज है वो कंडक्ट कराते हैं। वैसे ही आज हम इसके अंदर एक सिविल सर्विसेज फेस्ट करा रहे हैं जो कि हमारे बनारस में आज तक का पहला सिविल सर्विसेज फेस्ट है, जिसके अंदर हम कई सारे इवेंट्स करा रहे हैं जैसे कि प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, एसे राइटिंग, क्विज कॉम्पिटिशन, यूथ पार्लियामेंट। चार सेक्शन हमने रखा है, तो उसी में से आज एसे राइटिंग और क्विज का हमारा इवेंट है और आज हमारी ओपनिंग सेरेमनी है, उसी के लिए हम थोड़ी तैयारियाँ कर रहे हैं अभी। और क्या क्या कुछ विस्तार बताओ इसके फ्लो में अगर हम जाएँ तो, जैसे हमारा जो पहला दिन होगा इसमें हम लोग क्विज और ऐसे करा रहे हैं। इसके अगले दिन जो होगा, अगले दिन की सुबह में हमारा मॉक टेस्ट होगा, यूपीएससी स्तर का होगा और हम लोग यूपीएससी की कोचिंग संस्थान के साथ इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल वही होना चाहिए। उसके बाद फिर दूसरे दिन के फर्स्ट हाफ के बाद से कमेंस हो जाएगा हमारा यूथ पार्लियामेंट, और यूथ पार्लियामेंट जिसको युवा सांसद भी कहते हैं हम लोग, वहाँ पर बच्चे अपना डेलीगेशन देंगे। एक डेलीगेट का नाम होता है उनका जो एक से फॉर पीएम नरेंद्र मोदी, वन विल बी रिप्रेजेंटिंग हिम, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा और दिए गए निर्धारित जो हमारे एजेंडाज हैं उनके सब एजेंडाज पे वो बातें करेंगे और अपना विचार रखेंगे। एक बात बताओ, जैसे आपने कहा ना कि यूपीएससी कोचिंग वालों को जो है, ठीक है, क्या उनको भी इंक्लूड किया हुआ है क्या इस में? नहीं, जैसे लेवल, चूँकि हम लोग ये यूपीएससी लेवल का ये करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक एक्सपर्टी चाहिए होता है, क्योंकि हम भी अभी इस दौर में ही है जो वहाँ तक जाना है, तो सफ़र तक पहुँचने के लिए कि कोई राय, कोई गुरुजन मिल जाए तो उसका नहीं सही बात है। और ये बहुत अच्छी बात है कि फर्स्ट टाइम आप लोग करा रहे हो। एक बात बताओ, किन किन लोगों को, किसी चीफ गेस्ट को भी बुलाया होगा एट लास्ट? बुलाओ हमारे गेस्ट में, जैसे अभी हम लोग ओपनिंग करेंगे तो हमारे सूरज सर जो बीएचयू वर्ल्ड चलाते हैं मालविया अकेडमी करके, वो होंगे। उसके बाद फिर जो हमारा एंडिंग होगा क्लोजिंग सेरेमनी, उसमें सुब्रा रंजन मैम आ रही है, सी इज़ वेरी रिनाउंड फॉर पीएसआईआर ऑप्शनल पेपर। जो दिल्ली में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको पता होता है सुब्रा मैम के बारे में, क्योंकि उनके नोट्स ही इतने इफेक्टिव होते हैं कि बच्चे को उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती फॉर पीएसआईआर पेपर। बिल्कुल। और इसका वेन्यू कहाँ कहाँ पर है? एक तो यहाँ महामना मतलब हॉल जो है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का ठीक मंदिर के पास में है, और दूसरा वेन्यू भी है क्या? जी, जैसे हमारा अभी जो ओपनिंग हो रहा है वो महामना में होगा। हाँ। जो हमारी पार्लियामेंट रन करेगी वो यहाँ की एलटी में रन करेगी, साथ में दो हमारी आरके हॉल में भी रन करेगी आर्ट्स फैकल्टी के, आर्ट्स फैकल्टी में। और जो हमारा क्लोजिंग सेरेमनी होगा वो स्वतंत्रता भवन में। चलिए, क्लोजिंग सेरेमनी कब है? 9 मई को। चलिए, आप सभी को ढेर सारी बधाई और ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। नाश्ता तो अभी नहीं कर रहे सर, बस नहा के निकले हम लोग। कुछ भी नहीं खाए हो? नहीं।